बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मोटापे पे, फिटनेस पे, हेल्थ पे, और साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो है फर्टिलिटी। बहुत से मर्द और औरतें इस वजह से परेशान हैं क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाते। साहिब औलाद होना ऑलमोस्ट हर इंसान की ख्वाहिश होती है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से औलाद नहीं चाहते, और वो उनकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है और हम हर इंसान की जो जायज़ ख्वाहिश है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो लोग साहिब औलाद होना चाहते हैं, मैरिड हैं, 2, 3, 4, 5 साल गुजर गए हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन है कि औलाद पैदा हो ही नहीं रही, ये डिस्कशन भी हम करेंगे। इस स्पेसिफिक बात पे डिस्कशन करेंगे कि अगर मर्द में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसका इलाज क्या है। व्यूअर्स देखें, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हर चीज़ का ज़िम्मा और हर चीज़ का ब्लेम जो है वो औरत पे डाल दिया जाता है। अव्वल तो अगर किसी के घर में औलाद नहीं हो रही तो ये किसी की गलती नहीं है, बीमारी भी रब के मर्ज़ी से ही आती है और उसका इलाज भी रब ताला की मर्ज़ी से ही होता है। और हमें थोड़ा सा अपने माइंड्स को ओपन करना है, अपने माइंड्स को एक्सपैंड करना है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अगर खुदा नखास्ता किसी इंसान को कैंसर हो जाए या कोई बीमारी हो जाए जैसे डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में इंसुलिन तो लेनी ही लेनी है, वरना डेथ भी हो सकती है। सेम थिंग विद कैंसर, अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है, तो फिर उस केस में भी डेथ हो सकती है और शदीद तकलीफ। तो व्यूअर्स, जब इंसान एक ज़हनी तकलीफ से और एक मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है क्योंकि वो साहिब औलाद होना चाहता है लेकिन उसके घर वाले और इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं तेरे नाल कोई मसला नहीं हैगा, तेरी बीवी च नुकसे गए, भाई क्यों हम इतनी जजमेंट पास करते हैं, क्यों हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोगों की सपोर्ट क्यों नहीं करते, लोगों को हौसला, दिलासा और उसके साथ इलाज के तरीके क्यों नहीं बताते। आज हमने फिर डॉक्टर साजिदा को रिक्वेस्ट किया है, उनको इनवाइट किया है अपने शो पे कि वो हमारे साथ बातचीत करें और हमें गाइड करें। उनसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और उसके साथ साथ फिटनेस की जो हम बात कर रहे हैं वो करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बात करते हैं किसी भी मेजर चीज़ की ज़िंदगी में तो उसमें फिटनेस का एक बड़ा सीरियस अमल दखल होता है। अच्छी खुराक लेना, एक्सरसाइज करना, रिलैक्स्ड होना, पानी पीना, भाई जिस्म की हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है ना, जिस बॉडी ने कंसेप्शन की तरफ जाना है, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे और गाइडेंस देंगे। कुछ म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, एक इल्तिजा करनी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, जहाँ पर फिटनेस की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, बाकी सब बातें कर रहे हैं, वहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की जब हम तैयारियों की बात करते हैं तो हर इंसान राशन ख़रीद रहा होता है, आप अपने फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। बहुत से लोग क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़ कर रहे हैं कि अगर रमज़ान में स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न ख़त्म हो गया तो एटलीस्ट आप स्ट्रॉबेरी शेक्स बना सकेंगे, स्मूदीज बना सकेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ के साथ आप मीठा बना सकेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके लिए एक वक्त की रोटी अफोर्ड करना एक अजाब है, वो सहरी कैसे करें, वो इफ्तारी का एहतमाम कैसे करें, वो रात का खाना कैसे खाएं? जिन लोगों ने सारी रात इबादत करनी है उनको भूख तो लगेगी ना, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे? अगर हर चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो अनअफोर्डेबल हो जाएगी, तो ए प्लस ने और पब्लिक न्यूज़ ने, जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कैंपेन तैयार की है। एक पैगाम है शॉपकीपर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, वो सब लोग जो खाने पीने की खरीदो फरोख्त, मतलब जो 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 सेल करते हैं खाने पीने की चीज़ें, जिस तरह फल हो गए, सब्जियां हो गई, मुर्गी, गोश्त वगैरह हो गया, मछली वगैरह तो खैर बहुत ही दूर की बात है, मतलब वो तो बहुत ही अनअफोर्डेबल हो जाता है। ड्राई राशन की बात होती है, आटा, रोटी, चावल, चीनी, ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं, मतलब इंसान चावल नहीं ख़रीद पाता या रोटी के लिए आटा नहीं ख़रीद पाता तो बेसन कहाँ से ख़रीदे पकौड़े बनाने के लिए। ये एक बहुत अपसेटिंग बात है और ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने अब आगे क्या करना है। हम लोग अपने एफर्ट्स करेंगे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, लेकिन आप लोग जो अफोर्ड करते हैं, जो जो शॉप्स और रिटेलर्स हैं और जो जो इस किस्म की बिज़नेस के अंदर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ
ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से कि प्लीज़ चीज़ों को रीजनेबल अमाउंट का रखें, इस लेवल पे रखें कि लोग उन्हें अफोर्ड कर सकें, चीज़ें डिस्काउंट पे लेके आएं, बल्क डील्स दें, ऐसी चीज़ें करें जिससे लोग जो हैं वो खुश हों। याद रखें, रब ताला ने हमसे वादा किया है, खुद फरमाते हैं कि तुम अपने बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। आइए वो कैंपेन देख के ब्रेक की तरफ चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुकानदार भाइयों, रमजान उल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें, ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अकलमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्प करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ हमारे साथ हैं। अब तो हमारे मॉर्निंग शो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेगुलर हिस्सा है, और आज वो गुफ्तगू कंटिन्यू करने के लिए आई हैं जो लास्ट टाइम हमने शुरू की थी। हमने पहले बात की ओवेरियन फेलियर की, कि अगर खातून में इशू आता है, लेकिन मर्द में भी प्रॉब्लम आ सकती है, 50-50 चांस है। अगर कपल का बच्चा नहीं हो रहा तो मेल या फीमेल दोनों में से किसी में इशू हो सकता है। हमने बात करनी थी टेस्टिकुलर फेलियर की। Assalamualaikum. Waalaikum assalam. कैसी हैं आप मैडम? A1. It's always great to have you on the program, क्योंकि सीखने का बड़ा मौका मिलता है मेरी जान आपसे। अब ये बताइए कि ये जो हमने टेस्टिकुलर फेलियर की बात करनी थी, ये चीज़ क्या है, पहले तो ये समझाएं हम। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओवेरियन फेलियर का मतलब है कि वो औरत का गोनेट जो उसके बच्चा पैदा करने और उसकी यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ऑर्गन फेल हो जाए, अपना काम करना छोड़ जाए। एग्जैक्टली इसी तरह मर्द में भी एक गोनेड है, वो ऑर्गन है जो उसके तौलीदी निज़ाम को सेट करता है और उसकी यूथ का ज़िम्मेदार है। वो ऑर्गन भी अगर किसी का वक्त से पहले, क्योंकि एक वक्त तो आता है, टेस्टिकुलर फेलियर भी आता है, ये जो आपने अक्सर लिखा होता है ना दीवारों पे कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये टोटली गलत बात है। टेस्टिकुलर फेलियर का भी टाइम आता है, लेकिन उस टाइम के आने से पहले अगर किसी का वो ऑर्गन जो है वो अपना काम करना छोड़ दे, उसमें यूथ हार्मोन्स बनना ख़त्म हो जाएं, और प्लस जो बच्चा पैदा करने के लिए जो स्पर्म्स या नुतफा जिसको हम कहते हैं, अगर वो बनना बंद हो जाए, तो हम इसको कहते हैं टेस्टिकुलर फेलियर। पिछले दिनों ना मैं एक शो देख रही थी मैम, जिसमें ये डिस्कशन हो रही थी कि एक लड़का है, उसकी शादी कर दी उसके माँ बाप ने, और उन्होंने तो टर्म यूज़ की वो शादी करने के काबिल नहीं था। उसके कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स थे कि जो नॉर्मल मियां बीवी के ताल्लुकात हैं वो मेंटेन ही नहीं कर सकता था, और ऑब्वियसली बच्चों का भी पैदा करने का इशू था, तो उनकी डिवोर्स हो गई। और उस लड़की के माँ बाप ने बड़ा वावेला डाला कि भाई ये क्या बात हुई कि हमसे ये बात छुपाई गई और हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मैं ये भी क्लैरिटी आपके थ्रू दिलवाना चाहती हूँ लोगों को कि अगर कोई इस किस्म का इशू है तो इसका मेडिकल इलाज भी तो है ना मैम? बिल्कुल इसका इलाज है। मैं तो ये समझती हूँ कि एक बिल पास हो जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूर करना चाहिए कि एटलीस्ट एक हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का टेस्ट, जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, पता तो चले कि वो प्रोक्रिएट कर सकता है। ये तो नहीं कि स्पर्म जीरो है। अभी जो आपके साथ मैम थैलेसीमिया हमारे मुल्क में कितना ज्यादा है, तो क्या थैलेसीमिया मतलब देखें कुछ बेसिक पूरी दुनिया में व्यूअर्स मुझे हैरत इस बात पे होती है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। बिल्कुल। बाय द वे कनाडा में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है शादी के लिए ऑल्सो। पहले आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आप अपनी शादी का पूरा करते हैं। बट मतलब गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल तक चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है उसका आपको लाइसेंस चाहिए। दो लोगों ने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है
उसका लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर मेडिकल चेकअप भी हो? मैं पता क्या कम अज कम अवेयरनेस के साथ तो शादी करो भाई। यार ये इतनी खूबसूरत बात की है कि मेरा अगर मैं प्रोड्यूसर होती ना तो मैं हर वीक ये वाला लफ्ज चुराना, ये जुमला कि शादी के लिए लाइसेंस चाहिए। हमारे मुल्क में तो पहली शादी या चौथी शादी का लाइसेंस नहीं होता। अभी मैंने सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो पिछले दिनों एक कपल की इजाज़त से मैंने चढ़ाई, उसमें अम्मा जी बैठी हैं और वो कह रही हैं कि मैंने बेटे की शादी, मुझे पता था कि मेरे बेटे के स्पर्म जीरो हैं, लेकिन मैंने चौथी शादी की। कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि जितनी शादियां करेंगे ना स्पर्म बढ़ जाते हैं। अब बताएं जिस फॉर्म में ये हालात हैं हमारी जी बेहिसी, मतलब जो मतलब एक के बाद दूसरी लड़की से जो शादी कर करके आप कर रहे हैं उसे और फिर तलाक भी दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप जुगन बताओ उन लड़कियों का क्या फ्यूचर है जिन बेचारियों को तलाक जैसा एक इशू एक अनपढ़ और घरेलू लड़की को लग जाए। हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल से तलाक को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए। नॉर्मलाइज से मुराद ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मर्द और औरत की तलाक हो जाती है, वैसे तो हम यही कहते हैं कि किसी भी तरह से मामले को हल करके आपस में साथ ही रहें, लेकिन अगर तलाक हो भी जाती है तो उसको इतना बड़ा एक इशू क्रिएट करना और ख्वातीन के ऊपर इतना स्टिग्मा, मर्द की 10 तलाकें हो जाए कोई इशू नहीं है, औरत की एक डिवोर्स होती है सारी जिंदगी के उसके माथे पर ठप्पा लग जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप तो डिवोर्सी थी ना, अगर आपकी शादी हो भी जाए फिर तो हो भी जाए तो, और जो दूसरा बंदा फॉर ग्रांटेड लेता है उस लड़की के जो हालात होते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता उसको। एनी हाउ अभी हम जो टेस्टिकुलर फेलियर से बात कर रहे हैं ये कि क्यों होता है, पहले तो ये बताएं ये होता क्यों है। पहले तो ये बात मेरा ख्याल है कि इस कौम के मर्दों को मुझे बतानी चाहिए, अपने भाइयों को बतानी चाहिए कि ये होता है, इसे मान लें, और ये आप में भी हो सकता है और ये बहुत कॉमन है। मुझे बड़ी बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि मेरे किसी दिन आप लोग, ये आपको ओपन चैलेंज है, आपके यहाँ से कोई बंदा चला जाए, पेशेंट बन के चला जाए और जस्ट उनके दरमियान, उन लोगों के दरमियान बैठे, आपको लगेगा कि 90% मेरे ओपीडी में, मैं ये नहीं कह रही कि ऑल ओवर पाकिस्तान है, 90% जो पेशेंट्स हैं उनमें मर्दों का प्रॉब्लम है, मेल का प्रॉब्लम है, और सिर्फ 10-20% ख्वातीन होंगी जिनके प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कितनी तेज़ी से टेस्टिकुलर फेलियर हो रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और मीजल्स हो जाए, टीनेज इयर्स में मीजल्स हो जाए लड़कों को तो उनका स्पर्म काउंट जीरो हो जाता है। मीजल्स हो जाए और अब तो कोविड के बाद लोगों के स्पर्म काउंट जीरो हुए हैं, मैंने खुद देखा है। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने पूरा अपना पेपर पब्लिश किया है यूएसए में कि कोविड के बाद कितने मर्द हैं जिनको पता ही नहीं है कि अगर उनके स्पर्म बच भी गए हैं तो स्पर्म में मॉर्फोलॉजी यानी उनका जो स्पर्म का हेड है वो एबनॉर्मल शेप का हो जाएगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता ओवम के अंदर और वो फर्टिलिटी उनकी इशू बन गया। ये इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि कहाँ कहाँ से मसाइल हमें घेरे हुए हैं और हम लोग हैं कि हम मानने के लिए इलाज कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं। अच्छा ये एडमिट नहीं करते ना। अच्छा मैम, मैंने आंखों देखी बात आपको एक बतानी है। लास्ट टाइम जब हमने बात की तो मेरे जहन में मतलब इतनी ज्यादा चीजें मेरे जहन में आई बट वो सारी मर्द से रिलेटेड थी। मैंने कहा मैं आपसे इधर बात करूंगी। एक IVF सेंटर है, वहां पे एक खातून अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और आई थिंक वो वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का। ये उसका तीसरी IVF की साइकिल थी। ओके। चेकअप सिर्फ खातून का हुआ हुआ था, मर्द अपना चेकअप कराने से इनकार कर चुका था। उसने कहा कि जो भी चीजें वीजें करनी है ठीक है, मैं अपना चेकअप नहीं कराऊंगी। डॉक्टर ने विदाउट हिज परमिशन चेक करा ली थी उसके स्पर्म काउंट। उसका स्पर्म काउंट बहुत लो था, लड़की की हेल्थ और सारा कुछ उसका बिल्कुल परफेक्ट था। उस बंदे ने जब वो तीसरा उनका IVF की साइकिल थी, जब बच्चा नहीं हुआ और वो पॉजिटिव नहीं आया उनका टेस्ट, उसने वहीं पे खड़े खड़े उस लड़की को तलाक दी और वहां से उसको अपनी बीवी को वहां पे छोड़ के चला गया। ओह माय गॉड, छोड़ के चला गया। मतलब उस बेचारी ने पर पता नहीं कि आपने माँ बाप को कॉल की, क्या किया क्या नहीं किया, आंखों देखी चीज। ये अभी आप ये चीज बता रही हैं, मैं आपको वक्फे में सुनाऊंगी। और प्रॉब्लम बंदे की थी, मैं बताती हूँ, वक्फे में सुनवाऊंगी। एक हमारी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर कभी मैंने कहा था कि आपको कभी ऐसा हुआ ना, अगर आपके हस्बैंड ने आपके साथ ज्यादती की तो यू हैव टू कम इन मीडिया। उस खातून का मैसेज है मेरे पास, वो मैं आपको अकेले में सुनाऊंगी। उसके हस्बैंड के जीरो स्पर्म काउंट थे, हस्बैंड उसका फारिग है, उसने उसका इलाज करा के स्टेम सेल कराया। अब 8 सालों के बाद, शादी के 8 साल उस लड़की ने अपना यूथ उस बंदे को दिया, अब 8 साल के बाद स्टेम सेल से उसके स्पर्म बनना शुरू हो गए हैं। और अब पता उसको क्या थ्रेट कर रहा है कि क्योंकि उसकी एज जो है वो 44 हो चुकी है, उसे ये थ्रेट कर रहा है कि अगर तुम्हारा 6 महीने में बच्चा ना हुआ तो मैं शादी कर लूँगा।
अब मुझे ये बताएं कि क्या बेहिसी जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी आपको दे दी एक ऐसे मर्द को जिसकी जीरो स्पर्म काउंट थी, और मर्द को उस वक्त वो मर्द बहुत अच्छा था, वो कह रही थी ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वो उस पर जान देने के लिए भी तैयार थी, जैसे ही उसके स्पर्म आए हैं तो उस बंदे की ये हालात हैं। यानी कि बेहिसी इस कदर हमारे माशरे में फैल गई है कि हम उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। खैर, ब्रेक की तरफ चलते हैं मैम। श्योर। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक केस स्टडी हमारे साथ है, द फर्स्ट स्टेम सेल बेबी ऑफ द वर्ल्ड, जो आपने और डॉक्टर बैनोस ने मिलके ये एक काविश की, और वो बच्चा माशाल्लाह 5 साल का हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज उनसे और उस बच्चे से और उसके पेरेंट्स से हम मुलाकात कराएंगे और आप बताएंगे कि इनका केस एग्जैक्टली क्या था? राइट, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक बहुत ही बाहिम्मत कपल है, जिन्होंने हिम्मत करके, एफर्ट करके अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे साहिब औलाद कर ही दिया, ऑफकोर्स रब ताला की मर्जी से। लेकिन आज हमारे साथ सबसे पहले स्टेम सेल बेबी, जो अब माशाल्लाह माशाल्लाह 5 साल के हो गए हैं, हुसैन मंजूर है और उनके मामा और बाबा मिस्टर एंड मिसेस टीका खान। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा दादा जी, ज़रा इनके बारे में हमें बताएं पहले, फिर मैं ऑब्वियसली इनसे भी बात करूंगी, मैं चाहूंगी पहले आप हमें इनके बारे में बताएं। अच्छा, टिक्का खान जो हैं ये उन दिनों हमारे पास एज ए गार्ड काम करते थे हॉस्पिटल में। अच्छा, ठीक है। तो इनको जब इनका प्रॉब्लम, तो मुझे पता था कि ज़ीरो स्पर्म काउंट है, तो हम लोगों ने, डॉक्टर ज़ैवोज़ ने हमें रिसर्च के लिए 5 पेशेंट्स सिलेक्ट करने थे और आना था, तो इसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तरफ ध्यान करें। खैर, हमने इन्हें सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बंदे को क्रेडिट जो मिला है ना, मैं समझती हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था ना, इसकी अपनी नीयत थी। ही वॉज वेरी मच काइंड टू हर वाइफ, टू हिज वाइफ। अच्छा, एक्चुअली मेरी बात आपको, इसकी जो वाइफ थी उसने मुझे एक दफ़ा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर हमेशा मैं मर्द को पहचानती हूँ कि जिसकी बीवी उसका अच्छे होने का गवाही देना, मैं समझती हूँ वो मर्द अच्छा है। और इसने, इस औरत ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहबा मेरे बंदे का चाहे होगा, अगर स्टेम सेल कामयाब भी हो गया तब भी मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ हूँ, क्योंकि मेरा मियाँ बहुत अच्छा इंसान है, और अगर नहीं भी होगा तब भी मैं इसके साथ हूँ। और ये बात एक ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैंने इस बंदे को सिलेक्ट करके और टोटल हमने इसको रिसर्च पर्पज़ पर लेकर इसका स्टेम सेल हमने किया। अच्छा भाई, जब आपको जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको पता चला कि आपके साथ ये मसला है, तो क्या तासुरात थे आपके, क्या फीलिंग्स थी भाई? तासुरात, जारी बात है, माशरे में, इसी माशरे का हिस्सा हूँ, लोगों की बातें तंज तो सुनने पड़ते थे। 12-13 साल हो गए थे शादी को, लेकिन तकवा खुदा पे था, यकीन था, और तवसल मोहम्मद वाले मोहम्मद पे था। तो डॉक्टर साहिबा वसीला बनी, तो इन्होंने हमारे पे मेहरबानी की, इन्होंने हमारा स्टेम सेल किया, हमारा इलाज किया, इलाज सुन्नत भी है। और मैं अपने जो बहन भाई मेरे, मतलब इलाज से कतराते हैं और औरतों का कसूर गिनवाते हैं कि औरतों का कसूर है, हम शादी कर लेते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है, लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, 10 शादियां भी कर लोगे अगर स्पर्म काउंट जीरो है तो हाँ जी, बच्चा पैदा, तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। तो फिर इसलिए मैडम ने बहुत तावन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम साहिब औलाद हैं। ये हुसैन मंजूर हमारा माशाल्लाह बेटा है, अब 5 साल का हो गया। हाँ जी। अच्छा, भाभी से बात करना चाहूँगी। भाभी, ये बताएं कि आपने इनको जो बात कही थी, ज़रा हमारे साथ शेयर करेंगी, जब आपको पता चला कि भाई के साथ ये मसला है, आपके हस्बैंड के साथ जी, तो फिर आपके क्या तासुरात थे? घर वालों ने नहीं कहा छोड़ दो, शादी कर लो? नहीं मैडम, बताइए, बोलो ना। वो असल में ना उनको एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का ना। अच्छा। वैसे हम कज़न हैं आपस में ना। अच्छा। मामू फूफो, मतलब है हम एक दूसरे के कज़न हैं, तो बरादरी में तो बड़ी बातें होती हैं, माशरा हमारा बातों से ही भरा पड़ा है, तो बातें तो होती हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। हम ये, इसने भी मेरा साथ दिया और मैंने भी इनसे प्रॉमिस किया कि मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ देंगी, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि गाड़ी
कि चारों पहिए ठीक हों तो तभी गाड़ी चलती है। अगर गाड़ी के दो पहिए या एक पहिया मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसको साथ तो लेके जाना पड़ता है। तो भाई अब मुझे बताएं, अब जिंदगी कैसी है पिछले पाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जबरदस्त है। जब पता चला कि बेबी होने वाला है तब क्या तासुरात थे आप? बहुत खुशी थी, हमारे घर में खुशी का समा था। हमारे वालदैन, इसके मामू, इसके चाचू मिठाइयाँ बांट रहे थे, बड़े खुश थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मुझे खुद कहता है पापा मस्जिद चले नमाज पढ़ते हैं। मैं सदके जाऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इसको जिंदगी दे। और सुबह मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरे साथ उठ के नमाज पढ़ता है। मैं सदके जाऊं। हां जी सदके जाऊं। अच्छा तो एग्जैक्टली अब इनका केस हमें समझाएं और फिर बताएं आपने किया क्या। इनका स्पर्म काउंट जीरो था, भाभी बिल्कुल ठीक थी। शी वाज एब्सोल्युटली ठीक है। अभी हमें एक्चुअली जब मर्द में स्पर्म काउंट जीरो आता है तो हम देखते हैं कि ये जीरो क्यों है, क्या इसकी वजूहात हैं। जो इनकी वजह थी वो दैट वाज टेस्टिकुलर फेलियर। अब मैं आपको बताती हूँ, एक टेस्टिकुलर फेलियर के बग़ैर भी ज़ीरो काउंट आ सकती है। उसमें ये होता है कि अगर आपके ब्रेन से कोई हार्मोन अगर आपके नहीं आ रहे, वो एडिक्वेट नहीं है, तो आपका आपकी स्पर्म काउंट ज़ीरो हो सकती है। ऐसे लोगों को हम मेडिकेशन दे सकते हैं। लेकिन किसी का अगर टेस्टीज़ यानी फैक्ट्री डैमेज हो गई हो तो उसके लिए फिर हमें स्टेम सेल के ऊपर जाना पड़ता है। मैम फिर से एक बार, लास्ट टाइम आपने बताया था जो आज शो पहली दफ़ा देख रहे हैं आपको, तो उनको बताएं कि क्या करते हैं फिर। एक्चुअली इसमें कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लोगों को डर हो। लोगों को बहुत बड़ा फोबिया है कि स्टेम सेल एक ऐसा ट्रीटमेंट है, हमारा ऑपरेशन होगा। इसमें किसी किस्म का कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पेशेंट का हम ब्लड लेते हैं और फैट लेते हैं, दोनों चीज़ें लोकल एग्जामिनेशन में, लोकल जस्ट हम इंजेक्शन लगाते हैं और इनकी फैट को एस्पिरेट कर लेते हैं। उसके बाद इनके स्टेम सेल लैब के अंदर जो कुछ होगा वो लैब में होता है। पेशेंट के लिए उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, सवाए इसके कि उनको सिर्फ एक दफ़ा हम लैब में बुलाते हैं, थिएटर के अंदर बुला के, वो भी लोकल के ज़रिए ही। एक बारीक सी नीडल होती है, उसमें टेस्टीज़ के अंदर हम वो स्टेम सेल इंजेक्ट कर देते हैं। और अगर ओवरी में करना हो तो वो भी ओवरी में करता है। ओवरी में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ओवरी ऐसा ऑर्गन है जो इंट्रा एब्डोमिनल है। ठीक है ठीक है, आपको पता है कि बड़े लेयर्स के अंदर है। हाँ। लेयर्स के अंदर है। टेस्टीज के लिए हमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। उसी नीडल से बगैर एनेस्थीसिया के पेशेंट 5 मिनट के अंदर अपना काम करवा के वापस चला जाता है। तो उसको एक आम फहम बंदे में लोग यही समझते हैं कि मेरा इलाज हुआ है, मुझे शायद कोई टीका लगा है, मेरा इलाज हुआ है। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं ये डिक्लेयर करना चाह रही हूँ कि इनका जो बच्चा था ये उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी से हुआ। इन्होंने नेचुरल कंसेप्शन हुई, IVF पे नहीं गए, नेचुरल हुआ, यानी स्पर्म बनना शुरू हुआ। नेचुरल हमारा मतलब जैसे सुन्नत तरीका है मुबाशरत का, उसी तरीके से मतलब नेचुरल हमारा ये बेबी हुआ है। नेचुरल बेबी। IVF नहीं करना पड़ा। नहीं, इनके स्टेम सेल के बाद इतने स्पर्म काउंट हो गए थे कि अल्लाह ताला ने इनको ये नेचुरल बेबी दिया। तो ऐसा भी उनके कितनी देर बाद इन्होंने कंसीव किया? तकरीबन एक साल लग गया था ना? हाँ जी तकरीबन एक साल लग गया था, एक सवा साल। तो अब फिर से इनका बेबी हो सकता है? हो सकता है, अभी भी इनके स्पर्म हैं, हमने फ्रीज किए हुए हैं। अभी भी अगर ये एग्जामिनेशन कराएं तो 5 से 10 मिलियन इनके स्पर्म हैं अभी भी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। भैया जी जी एक बहना बनती है घर की रहमत। अच्छा हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड बहन भाई का ड्यो है, एब्सोल्युटली ऑसम कपल, सरवत जी एंड जहीर अली खान, उनका सॉन्ग सुनेंगे और फिर अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल, वो दिन आखरी मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात
अपने दिल से उतरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, और थैंक यू गरम गरम चाय, वो भी शेफ हेचबीन के हाथ की। कैसी जहर तो नहीं मिलाया मेरी बहन, अल्लाह माफ करे। कैसी हो? अच्छा, आज क्या बना रहे हैं हम अपने किचन नुमा चिकन में? जुगन, आज हम दो डिशेस बना रहे हैं। एक ये बन रहा है रेड बीन सैलेड, आई लव रेड बीन्स, और आई लव देम लोबिया। एक हम जो बना रहे हैं उसमें भी बहुत जो है समझे, 1 टीस्पून ऑयल जाएगा। हम टिक्का स्कीवर्स बना रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, अभी हम जानेंगे डॉक्टर साहिबा से कि आफ्टर ऑल ये टेस्टिकुलर फेलियर होता क्यों है, और अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करें किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का और ख़ुराक का अमल दखल आ ही जाता है। मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती हूँ कि आपके ख़ुराक में ही कहीं ना कहीं शिफा है। 100% नहीं तो कुछ हद तक ज़रूर है। हेल्दी लाइफस्टाइल, अक्सर जब खवातीन IVF या किसी भी किस्म के मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं बच्चा कंसीव करने के लिए, मर्द औरत दोनों को कहा जाता है अपना वेट रिड्यूस करें। जब आप ओवर वेट होते हैं तो हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, तो बताइए इसका तरीका जल्दी से।
बहुत आसान है जुगन। रेड बीन जो है उसको ओवरनाइट हम भिगोएंगे, उसके बाद जो है उसको बॉईल कर लेंगे, उसमें हाफ टी स्पून नमक डाल के लाल लोबिया इसको अच्छी तरह गलाइएगा, वरना ये जो है वो फिर पेट में दर्द होती है अगर जरा सा भी कच्चा रह जाए। उसके बाद एक कप इसमें मैंने स्वीट कॉर्न जो है वो कॉर्न बॉईल करके वो शामिल किए हैं। उसके बाद नमक, काली मिर्च, लेमन जूस है इसमें 2 टेबल स्पून और ऑलिव ऑयल हाफ टी स्पून है कि जस्ट शाइन आ जाएगी उसमें। उसके बाद हम इसमें ये देखिए, ये मैंने मजीद वेजिटेबल जो है फ्रेश वो काटी है, खीरा है, प्याज, बिल्कुल इसमें मिक्स कर दें। ये हमारा जो सैलेड है वो रेडी सारा? जी सारा। यू सी, अब इससे ज्यादा आपको हेल्दी और फॉर अ वेजिटेरियन ये तो बहुत ही अमेजिंग है। अब अगर आप 2 बॉइल्ड एग्स के साथ, इफ यू आर नॉट अ वेजिटेरियन, तो 2 बॉइल्ड एग्स के साथ अगर आप इसको सैलेड को खा लेंगे तो आपकी मील कम्प्लीट हो जाएगी। थोड़ा चाट मसाला डाल दें, इमली की चटनी डाल दें, एक बहुत ही मजे की चाट जैसी भी बन जाएगी। और जुगन देखे ना, ये फिल भी करता है, इट्स अ कंप्लीट मील, कंप्लीट मील, इट्स अ कंप्लीट मील। और मतलब साथ में आपने रायता भी दिया, और वो रायता जो है सैलेड, इस पे सैलेड में भी आप कंबाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टिक्कों को कैसे बनाना है? टिक्का स्कीवर्स बहुत आसान है, चिकन बोनलेस उसमें लेंगे, उसमें 1/2 कप दही लेंगे, उसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने ऐड किया, दड़ा मिर्च, जीरा भुना हुआ शामिल करेंगे, नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च। उसको चिकन को डाल के अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। 1 घंटे के बाद मैंने उसको स्कीवर्स में जो है वो फिल कर लिया है। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर आप उसके साथ लगा के इसके बाद आप इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लें, या पैन में बिल्कुल हल्का सा उसको ग्रीस करके उस पर आप इसको फ्राई कर लें। ये ग्रिल पैन प्लीज़ खरीद लें, बड़े साइज़ का बेशक ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पूरा रमज़ान आपका सुकून से गुजर जाएगा। स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हेल्दी खुराक की तरफ जाए रमज़ान अल मुबारक में। तो ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करेंगे, और ऑफ कोर्स हमारे साथ योगी नईम और उनकी पूरी टीम है, कुछ आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज तो हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव सर्जन एंड आईवीएफ फिजिशियन, फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु वाज अवार्डेड आईवीएफ क्वीन ऑफ पाकिस्तान बाय द वर्ल्ड्स फादर ऑफ एंड्रोलॉजी। आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। बहुत से डॉक्टर्स जो है वो इतनी ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि अगले को समझ ही नहीं आती कि बात क्या हो रही है, वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन में इलाज नहीं कराता। तो आपसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ डॉक्टर साहबा हमें अब ज्वाइन किया है योगी नईम ने। योगी मास्टर, योगा मास्टर हैं, फाउंडर एंड प्रेजिडेंट नेशनल योगा फेडरेशन, इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है योगी नूरुल ऐन ने जो गवादर से हैं, और स्पेशली आज प्रोग्राम में हमें आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करेंगी। देन वी आल्सो हैव योगी जावेद निजामी विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे हम मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स डॉक्टर साहब आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं कि फिटनेस का कितना अमल दखल होता है रिप्रोडक्शन में। अगर आप ये कहें ना कि फिटनेस का 70% अमल दखल है तो कंसीव करने में, तो मैं इसको इतना ही रैंक दूंगी। सही, 70%। अच्छा, यानी आपका मेजर, क्योंकि जो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉडी वेट क्या है, आपका मैं इंटरनल फिटनेस की भी बात कर रही हूँ कि आपकी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट अगर फिट है तो यू कैन प्रोक्रिएट, अदरवाइज आप में कुछ भी आपकी एबिलिटीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। और आपका अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, सॉरी आपका नाम योगी नहीं, अभी योगी नईम से मेरी, मुझे मिलियन ट्रिलियन की इस बंदे ने बात बताई है। मैं ये चाहूँगी कि जो ख़जाना मुझे मिला है ना वो मैं अपने व्यूवर्स को भी दूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि ये मुझे वक्फे में ख़जाना मिल गया तो मैं इसको बांट दूँ। अभी मुझे इन्होंने बताया, क्योंकि मैं पहले ऐसे बैठी हुई थी, ठीक है, तो मुझे ख्याल आ रहा था उफ़ मैं लेट हो रही हूँ, मैंने वो सर्जरी भी करनी है, वो भी करना है। इन्होंने मुझे कहा कि जब टेक लगाना छोड़ दें, आपका जो ब्रेन का बेलगाम घोड़ा ना वो आपके काबू में आ जाएगा। आप यकीन करें कि मैं ऐसे होके बैठी हूँ, अब मैं पूरी तरह मैं सिर्फ जुगन के साथ हूँ, ठीक है। एक ऐसी बात है कि ये आप जब, मेरे ख्याल में कि जो लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं उनके ब्रेन का जो बेलगाम घोड़ा है ना, कि कभी टेंशन इधर चली गई कभी इधर, तो वो इनकी बातें सुने, इन लोगों से कॉन्टेक्ट करें ताकि उनके अंदर की हेल्थ बेहतर हो। अच्छा,
टेस्टिकुलर फेलियर क्यों होता है, हमने उसका इलाज पहले बता दिया, मैं चाहती हूँ एक दफा हम बता दें कि ये होता क्यों है, और फिर अगर हम थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन और थ्रू आयुर्वेदा भी अगर इस चीज़ को हल कर सकते हैं तो वाई नॉट। सबसे खूबसूरत पार्ट है आज इस प्रोग्राम का कि ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इस क्यों को बचा सकते हैं ना तो हम अपने बाद के बहुत सारे मसाइल को बचा लेंगे, और ये वो चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं। अभी बहुत सारी माएँ हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी तो ख़वातीन को पता ही नहीं चलता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न टेस्टिकुलर फेलियर की वो ये है कि इन्फेक्शन हो जाए बच्चे। अब मुझे ये बताएं कि इन्फेक्शन आपकी वायरल भी हो सकती है, आपकी बैक्टीरियल भी हो सकती है। बच्चों को आप, मैं आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता कि इस बात को, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, मुझे ओपनली ये लोगों को बताना है कि बच्चों पे खुदा के लिए, चाहे वो आपके बेटे भी हैं, उन पे नज़र रखें। अगर उनका कोई खुदा न खास्ता किसी जगह से गलत सेक्चुअल असॉल्ट हो जाए या लोग उसके साथ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे ज्यादती कर जाते हैं, तो उन बच्चों में टेस्टिकुलर इन्फेक्शंस हो जाती हैं जो कि बाद में ट्रीट नहीं होती, और दैट लीड्स टू ऑर्काइटस। और जब एक दफ़ा ऑर्काइटस का मतलब है कि टेस्टीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर एक दफ़ा वो इन्फ्लेमेशन हो गई तो एंड पे क्या होगा, स्कारिंग होगी। स्कारिंग हो जाएगी तो वो फैक्ट्री दोबारा काम नहीं कर सकती, जो मर्जी आप कर लें, ठीक है। और अगली बात है कि वायरल इन्फेक्शन अगर हो गई है, कोई वायरस हो गया बच्चे को, खुदा के लिए मैंने देखा है लोग मम्स हो जाता है, जाके दम करा रहे होते हैं, मस्जिदों में लेकर जाते हैं कि हमारे बच्चे को दम करें, इसको कनपेड़े निकल आए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, मुझे पेशेंट से ही आ गई हुई कि लोग वो कोई लेके रोड़े वगैरह तो बच्चों को यहाँ पे रगड़ने के लिए देते हैं कि जी ये दम का ये ट्रीटमेंट है। अगर उस बच्चे का आपने अपने लाडले बच्चे का इलाज उस वक्त नहीं कराया और उसके वो मम्स उसके फैल गए, उसके टेस्टीज में भी आ गए, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी नस्ल रुक जाएगी। तो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारी काबिल इलाज हैं। इसके अलावा जो सर्जरीज होती हैं, लोग क्या करते हैं, जी मुझे वेरिकोसील हो गई, हर्निया हो गया। अगर हर्निया हो रहा है तो मेरी इस बात को लिख लें, अगर आप लोकल किसी ऐसे डॉक्टर को जो आपकी फर्टिलिटी को नहीं समझता, अगर उसने, या वो एक्सपर्ट नहीं है, उसने आपका हर्नियल सैक निकालते वक्त आपके टेस्टिस भी रिमूव कर दिए, तो आप सारी उम्र के लिए जीरो स्पर्म काउंट के साथ फिरेंगे, आप नहल हो जाएंगे। अच्छा, बट क्या इसके कोई खुराक और दूसरी चीज़ों से इसका अभी उसकी तरफ आ रहे हैं। खुराक के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो अंडर स्टडी हैं, यानी उनको मैं ये नहीं कह सकती कि ये कन्फर्म्ड है। अभी जंक फूड के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि जंक फूड से ये तो पता लग गया है कि एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं स्पर्म में। इवन जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बल्कि आज तो हमारे साथ लकीली इतने हमारी फील्ड के, जो इस फील्ड के जीनियस लोग हैं, वो बैठे हैं, कि आपने देखा होगा कि जिम में लोग अक्सर ऐसे मशरूबात देते हैं लोगों को पीने के लिए, ड्रिंक्स दिए जाते हैं, इवन टेस्टोस्टेरोन उनको दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी जो है बॉडी बिल्डिंग हो जाए। उससे भी स्पर्म काउंट जीरो हो सकते हैं। मैं लोगों को मिसाल देती हूँ, वो गरीब किस्म के प्रोटीन शेक्स ले रहे होते हैं। ये आपका एक पौधा है, प्लांट है, आप इसको पानी देते हैं, ये ओरिजिनल, जब अगर आपका प्लांट होगा तो इसके नीचे आप देखेंगे कि उसमें सुराख होते हैं, कि ताकि जो आपका एक्स्ट्रा पानी है वो बह जाए। इस पौधे के लिए पानी क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन है। आप अगर टेस्टोस्टेरोन हकीम से भी लेते जा रहे हैं, टीकों में भी लेते जा रहे हैं, इधर से आपका होल तो नेचर ने दिया ही नहीं, तो क्या होगा कि यही प्लांट जो हरा भरा था वो बिल्कुल डैमेज होके सूख जाएगा, क्योंकि वही पानी जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो प्लांट डैमेज हो जाएगा। इसी तरह उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इवन हमारे डॉक्टर्स इंजेक्शन दे रहे होते हैं लोगों को टेस्टोस्टेरोन बिला वजह, वो कहते हैं जी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आया है। हालांकि वो लेवल कम आने की वजह को ट्रीट करना है आपने, ना के बाहर के टेस्टोस्टेरोन देने से। तो केमिकल और इस किस्म की जो चीज़ें हैं मैम, इनसे बचना कितना ज़रूरी है? डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, मैं तो सुन के थोड़ा सा सुन हो गई हूँ, कि इतनी डिटेल में जब हम मेडिकल उसमें जाते हैं तो बड़ी बातें समझ आती हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं हिकमत, तो इस वक्त पीएचडी तक लोग कर रहे हैं, हकीम जितने हैं, लेकिन जब वो अपने इस प्रोफेशन में आते हैं
और वो बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह अपने सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने मरीज को इतनी डिटेल से कभी नहीं बताते कि हमारे यहाँ पे एशिया में इतने सीड्स हैं, इतने बीन्स हैं कि उनके इलाज उनके खाने से या उनको भून के खाने से या उनको पीस के रोटी बना के खाने से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, बड़े मेडिकल इश्यूज। और अगर मैं किसी दो चार का नाम भी लूं तो आप कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी हैं। न्यूट्रास्यूटिकल में यही सीड्स, यही चीज़ें, ये जो हम जिनका स्पर्म काउंट कम होता है तो हम उनको मेडिकेशन देते हैं, वो इन्हीं सीड्स का एक्सट्रैक्ट होता है। अलसी है, कोलंजी है, क्या उसको बोलते हैं, अजवाइन है, मतलब ये चीज़ें इतनी पुरानी हैं कि हमारे फोर फादर के भी फोर फादर इसको यूज़ करते रहे हैं, मदर्स यूज़ करती रही हैं। और अब आप देखें फास्ट फूड की जो बात कर रही थी उसमें ये सारी चीज़ें गायब है, बर्गरों में तो नहीं डालते ना अजवाइन, कलौंजी, अलसी। अभी देखें कि चिकन खाते हैं बच्चे, बहुत खाते हैं, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम मुर्गी के पंजे कहाँ जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मुर्गी के पंजे अगर आप उन बच्चों को ख़ास तौर पर जिनके अंदर स्टीराइड की कमी होती है और उनको रेशा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो जो मुर्गी के पंजों का शोरबा या उसका सालन बना के अगर किसी भी एज के बंदे को खिलाया जाए तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर खुराक कोई नहीं है। अभी कोलेजन भी बहुत होता है ना, कोलेजन बहुत होता है, इसीलिए तो वो इस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी आपको जेली लाइक मिल जाती है। वो चाहिए होती है, वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग उससे अवॉइड करते हैं, हाँ हम नहीं खाते। अच्छा वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ कि मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह उनकी हाइट्स बहुत अच्छी हैं, और मैं क्या करती थी कि उसको बनाने के बाद, क्योंकि मेरे फादर हिकमत भी जानते थे तो उन्होंने मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बताई थी, तो इसको हम करने के बाद इसका सूप निकाला होता था और हम हर खाने में डाल देते थे बगैर बताए। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स और चीजें, क्योंकि एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस बड़ी जरूरी होती है, लेकिन योगा के लिए सबसे पहले अपने आप को फोकस करना, मेडिटेट करना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप योगा कर रहे हैं फिजिकली लेकिन आप फोकस नहीं कर रहे तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं होता। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने गर्ल्स नहीं गुफ्तगू कर ली पिछले सेगमेंट में, ज़रा बॉयज़ को भी हम चांस देते हैं। तो योगी जावेद निज़ामी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन या जिसको ध्यान भी कहते हैं और उसका एक औखा सा एक और नाम भी है, क्या कहते हैं उसको, मुराकबा, ये कितना अहम है हमारी जनरल हेल्थ के लिए एंड देन स्पेशली फर्टिलिटी और इस किस्म की जब हम बात करते हैं। इस कायनात पे इंसान फितरत का बहुत खूबसूरत तोहफा है, इंसान अपने जहन को उलझा के मुंतशिर हो जाता है, गुजरे हुए ज़माने की मायूस कुन यादें लेके परेशान होता है और आने वाले फ्यूचर से परेशान होकर मंसूबा बंदियाँ गलत करता है और मुंतशिर रहता है। इन सब से बचने के लिए फिर हमने योगी नईम साहब से, जो कि जदीद योग के फादर ऑफ योगा कहलाते हैं, उनसे मराकबा और ध्यान सीखा है। ध्यान में यकसू होके अपने माइंड को एक जगह पे फोकस करना और ब्रीथिंग के साथ एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए बेहतर वक्त तो सुबह 3 से लेकर 4 बजे के दरमियान का है, लेकिन जब इंसान की आँख खुल जाए तो थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान लगाता है तो हर किस्म की बीमारी का इलाज भी इससे किया जा सकता है। अपने सोच को, विचार को मुंतशिर होने से बचा लेना और एक जगह ध्यान लगाना, तो उसके साथ ब्रीथिंग की एक्सरसाइजें लाजमी है। ठीक है, तो ज़हनी सुकून के लिए इंसानी वजूद के, जब बॉडी ठीक होगी, सोच विचार दुरुस्त होंगे, इंसान खुश हैप्पीनेस रहेगा, खुश रहेगा। असल में योगी नईम, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ हर किसी को पतला होने का शौक है, वो सिर्फ कहते हैं हम सूख सड़ जाए मर जाए बस। ये आप चुप करें, आप बहुत पतली हैं, मैं आपको सब थिन शेम कर रही हूं। अच्छा बस, मतलब हाँ सारा वक्त एक्सरसाइज ही करते लगे, मतलब या सर्जरी कर रही होती है, एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन बात ये है डॉक,
अल्टीमेटली हेल्थ और फिटनेस का पतले या मोटे होने से इतना ताल्लुक नहीं है जितना आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। इस पे ज़रा हमें गाइड करें, एंड देन ऑफ कोर्स हम फर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड थोड़ी सी गाइडेंस दे दें। बहन आपने बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया कि बिल्कुल फैट ज़ीरो कर लेते हैं हम बॉडी के ऊपर, इतना स्मार्ट होना चाहते हैं कि बिल्कुल फैट हो ही ना। जिस मसल के ऊपर फैट नहीं होगी उसको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगा। फैट का जिस्म के अंदर होना बड़ा अहम है। अगर आप अपने आप को डाइटिंग करके, आप मशक्क़त की एक्सरसाइजेस करके मसल को लीन कर लेते हैं तो आप कभी भी फिट लाइफ नहीं गुजार सकते। आपने अगर फिटनेस की लाइफ गुजारनी है तो आपके मसल के ऊपर फैट का होना बड़ा अहम है, जिससे आपकी जैसे लुब्रिकेंट होता है, आपके गाड़ी कोई भी ले लें, इंजन ले लें, उसके अंदर अगर मोबिलाइल नहीं है तो वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल सीज हो जाएगा। नहीं भाई, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अल्लाह ताला ने ख्वातीन के अंदर नेचुरली फैट ज़्यादा रखा है, ख्वातीन मर्दों में कम रखा है। आप अगर रेशियोज़ देखें नेचुरल तो मर्द में हमेशा कम है। मर्द को क्योंकि कंसीव नहीं करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ फ़र्क हैं। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसने अपना वेट इतना रिड्यूस कर लिया, आई थिंक वो 45 या 44 किलोस पे उसका वजन आ गया, इतनी वो पतली हो गई, 5'5" उसकी हाइट थी कि एक पूरा साल उस लड़की को पीरियड्स यानी कि उसको मेंसेस नहीं आए, ओवेरियन शटडाउन हो जाए उसका, उसके एक पूरा साल उसको पीरियड्स नहीं आए, और वो समझी कि उसको पता नहीं कोई और प्रॉब्लम हो गई है। वो जब फाइनली जाके गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई तो न्यूट्रिशनिस्ट कहा आपकी बॉडी का फैट इतना कम हो चुका है कि आप प्यूबर्टी से पहले चली गई हैं, और ये नहीं कि आप जवान हो गई हैं, आपने अपना सिस्टम या तो अर्ली मेनोपॉज में डाल दिए या आपने अपना को प्री प्यूबर्टल रिग्रेशन में चले गए, इवन यूट्रस भी छोटी हो जाती है। मैंने कई लड़कियों को एग्जॉस्ट होने के लिए बचा कुछ नहीं, रगा नहीं, एग्जर्शन क्या हो उसकी, क्या एग्जॉस्ट हो, अंदर कुछ नहीं है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल पतला हो जाऊं और मैं फिट हूं तो ये एक बुढ़ापे की निशानी है। ये एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी जो होता है ना, उसके अंदर जो है चीज़ों की कमियाँ हो जाती हैं, खुराक की कमियाँ हो जाती हैं, मसल के अंदर जो हेल्थ होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी कमी हो जाती है। तो अगर आप फिटनेस की लाइफ की तरफ आएँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वेट लॉस की तरफ ना जाया करें। वेट लॉस करना ये एक नेगेटिव वर्ड है, वेट पहले आता है, लॉस बाद में आता है। तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनका वेट कभी भी कम नहीं होता। हमेशा योग करें या कोई भी आप एक्सरसाइज करें तो फिटनेस के लिए करें या स्मार्टनेस के लिए करें, अपने आप को स्मार्ट करें। पॉजिटिव वर्ड्स आपके असर करते हैं, लहजों से ज्यादा भी वर्ड्स असर करते हैं। अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं हैं तो फिर आपका जो यू वांट टू बी स्मार्ट, यू वांट टू बी फिट, यू डोंट वांट टू लूज वेट, आपने फिट और स्मार्ट होना है। आपकी आपकी जो प्रोग्रामिंग है, जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, वो आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देती है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब है तो आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब रहेगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव है, खुश है, आप खुशहाल, लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, खुशहाल, जो लम्हा मौजूद के साथ जुड़ जाते हैं वही खुश रह सकते हैं। जो पास्ट में वो खुश नहीं है, जो फ्यूचर में वो खुश नहीं है, मेंटली आप कितने खुश हैं आप फिर कंसीव कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो हैप्पीनेस है। आपके ऊपर जो खौफ है, दुनिया की सबसे बड़ी मर्ज खौफ है। लेकिन नहीं भाई, क्या करें, दुनिया को देखें ना, मतलब जैसे ही लड़का लड़की की शादी होती है, डॉक और मैं अक्सर ये बातें करते हैं क्योंकि अब तो हमारी दोस्ती भी इतनी हो गई है कि एज अ फ्रेंड ऑल्सो भी जब हमारी गुफ्तगू होती है तो यही बात होती है कि इतना प्रेशर होता है। अभी शादी हुई है, अभी महीना नहीं हुआ शादी को, खुशखबरी आई, खुशखबरी आई, खुशखबरी आई, मतलब अगले बंदे को इतना टेंस कर देते हैं। उस बच्ची का हाल देखें, उस बंदे का, लड़के का हाल देखें कि भाई वो पहले एक दूसरे को जाने, वक्त गुजारें, कुछ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करें। खुशखबरी आई, खुशखबरी आई। जुगर, आप ये देखें कि जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं पहले पूछते हैं कि आपके घर के कितने बच्चे हैं और जो शादीशुदा हैं उनके कितने बच्चे हैं, और पता नहीं ये लड़की आगे बच्चा पैदा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या लड़का जो है वो कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है जो पहले सेशन में आपने की कि एक एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए लाइक लाइसेंस। ये शादी का लाइसेंस तो एक मौलवी को दे दिया हुआ है कि आपने ये साइन करने है और निकालना मां, ये एक लाइसेंस है। और हम एक इस्लामिक स्टेट में वो सारी चीजें हमने करनी है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि उस स्टेज पे पहुंचने से पहले पूरा मेडिकल चेकअप लड़का और लड़की दोनों का होना चाहिए, नॉलेज के साथ आगे बढ़े। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शादी ना करे, इसका मतलब ये, अब आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, you know what you are getting into,
आप जब किसी किसी जगह पे जाते हैं, किसी लोकेशन पे जाते हैं, तो पहले पूछते हैं ना कि ये क्या जगह है, यहाँ पे क्या होगा, किसी रेस्टोरेंट में भी जाना है, वहाँ पे खाना कैसा होगा, बैठने की क्या सेटअप होगा। तो इतनी बड़ी डिसीजन लेने के लिए आप कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करते। खैर, हम ब्रेक जी, यहाँ तक होता है कि लड़कियाँ और लड़के दोनों जो हैं शादी से 2-3 माह पहले डाइटिंग शुरू कर देते हैं, और इतनी डाइटिंग करते हैं कि हमने कपड़े वो वाले सिलवाने हैं कि हम ज़ाहिर टाइट होंगे या जैसे भी होंगे, तो हम डाइटिंग 2-3 महीने करेंगे तो तब हम अच्छे लगेंगे। हमारे जानने वालों की बच्ची जो है वो स्टेज पे बेहोश हो गई बिकॉज उसने कोई 2 हफ्ते से नॉर्मल खुराक ली नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी शादी के जोड़े में फिट आना था। बिल्कुल ऐसे ही। भाई तुम जोड़ा अपने साइज का बना लो। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुझे तो इन चीजों में बड़ा, बिकॉज ऑनेस्टली आई गेस क्योंकि मैं ये सब स्टूपिड हरकतें कर चुकी हूँ तो अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यार जरूरी है कि हर स्टूपिड चीज खुद करो, जिन्होंने कर ली है उनको देख लो, और अपनी शादी का दिन आपको एंजॉय करना चाहिए, ना कि आप बैठे सोच रहे हैं कि यार एक रोटी का पीस नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट चले जाएंगे, मैं मोटी हो जाऊंगी, मतलब ये नहीं करना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिल्कुल नहीं करना। जी हाँ व्यूअर्स, अब हम योगी नईम को अपना काम करने देंगे, क्योंकि हमने उनको काम नहीं अभी तक करने दिया, हम सिर्फ अपनी गप्पे लगाते रहे, बिकॉज एवरी वन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट दीज थिंग्स। अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे जिसका जी चाहता है कि उनके घर बच्चा हो, लेकिन प्लीज़ घर वाले इर्द गिर्द वाले प्रेशर डालना छोड़ दें। जिंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रेशर्स है, रोजी रोटी कमानी है, सर पे छत अपने प्रोवाइड करनी है, करोड़ और चीज़ें करनी है, ऊपर से जब हम लोगों पे प्रेशर्स डाल देते हैं, भाई जिसने बच्चा पैदा करना है वो कर लेगा, और अगर वो नहीं कर सकता वो अपना इलाज करा लेगा, आप उनका खेड़ा छोड़ दें प्लीज़। जी नहीं भाई, अभी हम जो है वो मर्दों के लिए एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि मर्द जो है वो कैसे अपना जो है वो इसको सिस्टम को कर सकता है, सिस्टम को बेहतर करने के लिए। टोस पे आ जाएंगे, ऐसे दोनों हाथ घुटनों पे ले आएँ या जैसे आप इजी रह सकते हैं, इसमें अपने हल्का सा ऊपर उठेंगे, लाइट सा और हिप्स को टाइट कर लेंगे, रिलैक्स जितना आप आसानी से रुक सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठें, इनहेल सांस को अंदर रोकते हुए हिप्स को टाइट कर लेंगे। बाय द वे इससे आपके एब्स और आपकी जो थाइस हैं और हिप्स हैं ये इतनी परफेक्ट हो जाएंगी कि आप कहेंगे कि हमारे हम तो मस्कुलर हो गए हैं। जी, जितना आसानी से हो सके, देखें अगर आप रोक नहीं सकते तो आप 1 सेकंड रोक लें, 2 सेकंड रोक लें, जितना आसानी से रोक सकेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और कभी भी जिस्म के ऊपर मशक्कत ना कीजिएगा, मशक्कत जो इंसान जिस्म के ऊपर लेके आता है उसके मसल टूट जाते हैं, मसल इंजरी हो जाती है, इंटरनल मसल इंजरी, जिससे जो है वो फिर आप कभी भी अपने जिस्म को दर्द से पाक नहीं कर सकते, हमेशा जिस्म में दर्द रहेगा, अंदरूनी दर्द रहेंगे आपको। तो हमेशा लाइट रहते हुए बॉडी को ढीला ढाला रखते हुए जितना आसानी से हो सके उतना करना है वर्कआउट। अब हम आते हैं लेडीज के लिए, कुछ एक पोज है। अच्छा, ये वाला पोज खवातीन ना करें, ये जो इन्होंने बताया ना अभी, ये मैं इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इन्होंने एग्जैक्टली बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है, क्योंकि ये आपकी ना ब्लड परफ्यूजन को, जो आपके टेस्टिस का एरिया है उसको ये ज्यादा कर रही है, जिस तरह उन्होंने बकायदा एक समझे कि पंप लगा दिया उस तरफ, बिल्कुल जो मेडिकेशन है वो उधर जाए तक। बिल्कुल, अभी एक रैबिट पोज है जो कि ख़वातीन के लिए बड़ा बेहतरीन पोज है, अगर ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं तो रैबिट पोज को ज़रूर करें। और दूसरा पोज मल आसन है, वो भी मैं करूँगा इसके बाद। ऐसे अपने एड़ियाँ पकड़ लें, एड़ियाँ पकड़ने के बाद अपने माथे को घुटनों के दरमियान में लेके जाके अपने कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। छोटे छोटे से खरगोश बन गए सारे, क्यूट। बिल्कुल रिलैक्स जितना आसानी से हो सके। ये आप लोगों को एनाटॉमी भी पढ़ाते हैं भाई, देखे ना उनको फादर ऑफ योगा तो नहीं कहते ना। नहीं, एनाटॉमी में एग्जैक्टली ये आपकी यूट्रस की परफ्यूजन और ओवरीज की, यानी ब्लड फ्लो उस तरफ जाता है। मैंने जो है वो बकायदा इसको एनाटॉमी को पढ़ा है योग में, मैं क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न योगा हूँ, तो मेरे ख्याल में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो हमें बहुत बहुत पहले से बतानी। बट जान यही तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि अगर योगा
आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके साथ एक तीसरा, एक माहिर नफ्सियात, ये तीन लोग अगर कंबाइन हो जाएं और साथ में ऑब्वियसली आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाने पीने का ये मेडिटेशन, ये अगर एक पूरा ग्रुप बन जाए ना एक कपल की ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत बेहतरी की तरफ सिचुएशन जा सकती है। नेक्स्ट पोज क्या? एक पोज मालासन खवातीन के लिए, उसमें अपने एड़ियों को जो है वो बिल्कुल सामने ले आए। शुरू में दीवार से सहारा भी ले सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो सकता तो दीवार का सहारा लेके या किसी चीज़ का सहारा लेके घुटने साइड पे निकालते हुए यूं बैठने की कोशिश करें। देखिए ना, आपकी हिप बोन भी ओपन अप हो जाती है और इतना आसानी से हो सके बैठने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर लोअर बॉडी एंड अगेन फॉर योर यूट्रस, ब्लड फ्लो, इवन पेल्विक फ्लोर जो मसल्स। अब देखिए ना, हम एक्सरसाइजेस करते हैं सिर्फ अपनी अपनी टांगे, अपनी लेफ्ट खवातीन जितनी भी थी कभी भी घर में चौकी वगैरह बीड़ी इस्तेमाल नहीं करती थी, वो हमेशा कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ भी जो बैठने वाला काम है करते हुए वो इसी पोस्चर में बैठती, इसीलिए वो एज नहीं करती थी जी, इसी पोस्चर में बैठती थी और इसी पोस्चर में सारे काम करती थी, इवन उनकी गोद में बच्चा भी होता था, बेहतरीन पोज है, तो वो तो कभी बीमार नहीं हुई। ये वाले जो हमने लास्ट दो पोज, बिल्कुल सही, तो इससे इंशाल्लाह जो है अगर करना शुरू कर दें तो कंसीव हो जाएगा। ये जो खास तौर पे इन्होंने जो लास्ट वाला पोज बताया ना, इसके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में ये बेस्ट है, जिन खवातीन में प्रोलैप्स हो जाता है उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कि उनको उनको इवन आफ्टर डिलीवरी भी, डिलीवरी के बाद जिन लोगों में पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है, पोस्टनेटल। अच्छा, बेबी के बाद भी क्या आप रेकमेंड करते हैं एक्सरसाइजेस जो मियां बीवी दोनों साथ कर सकते हैं, वो भी प्लीज़ हमें बताइएगा। लेकिन उससे पहले योगी जावेद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी निज़ामी साहब कि ये सब कुछ करते हुए फोकस करना, मेडिटेशन का कितना फिर अमल दखल आ जाता है जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं? ये वजूद को, बॉडी को, जिसे हम हार्डवेयर बोलते हैं ना, उसकी इसलाह के लिए ज़रूरी है ये। और जो बातन है, इसकी सोच विचार है जिसे मरूह या माइंड कहते हैं, उसका इस पर और ज़्यादा असर है। ठीक है, यकसू हो के जिस काम को हम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो मेडिसिन से भी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अगर यकसू हासिल ना हो, मेडिसिन भी तो बेकार हो जाती है ना, फिर असर नहीं। भाई अगर आप वैसे तो हर फर्द का अलहदा एक सिस्टम है, उसके मुताबिक ही उसे योग भी सिखाया जाता है, ध्यान भी उसकी कैफियत के मुताबिक, मेडिसिन भी उसकी कैफियत के मुताबिक, ऐसे ही टेलर मेड अप्रोच है बेसिकली। इसको हर बंदा एक डिफरेंट, उसका साइज है जी सर, और उसकी बॉडी का, उसकी उसके ब्रेन की जो हमारी इंटरेक्शन है डिफरेंट है। अब मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जुगन, मजे की बात यह है कि मैं हमेशा वहमी मरीज का इलाज करते वक्त ना, मैं उसको अक्सर डिनाइल में चली जाती हूँ कि मैंने नहीं करा। खवातीन जो बहुत ज़्यादा वहम कर रही होंगी, खासतौर पर जो जेंडर सिलेक्शन के लिए आती हैं ना, वो कहेंगी डॉक्टर साहब आप कह रही हैं 95% सक्सेस है, मैं कहीं 5% में तो नहीं चली जाऊंगी। आप यकीन करें, जितना डरने वाला बंदा होता है वहम उससे ज्यादा आपके सामने आता है, तो उससे ज्यादा तो चांस ये है कि आप बाहर निकले रोड पे और आपको गाड़ी लगे और आपकी गाड़ी खत्म हो जाए। बात ये है कि जिंदगी में हो तो कुछ भी सकता लेकिन है, लेकिन बहुत ज्यादा जब हम सवार भी, यही तो चीज है। आप एक ऐसी चीज जरूर बताएं योग में कि लोग अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम करें, जो उनको खौफ है जी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी है, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आप के जो लेवल है सोच का, उसी तरह की आपकी लाइफ हो जाती है। हाँ, उसमें एक योग मुद्रा के नाम से एक आसन है जो कि आपकी नेगेटिविटी को जो है वो किल करता है, आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकालता है। तो योग मुद्रा करने का तरीका बहुत आसान है, आसानी से आप जो है वो ऐसे बैठ जाएँ, एक पाँव आगे रख लें, ये थोड़े घुटने खोल लेंगे और दोनों घुटने नीचे लगने की कोशिश करेंगे और कमर को सीधा रखते हुए इतना आप आगे आ सकते हैं, इसमें रुक जाएं। सर इसको चाइल्ड पोज भी तो कहते हैं लेकिन दूसरी तरह से बैठते हैं। वो चाइल्ड पोज दूसरी तरह से, वो दूसरी तरह से, ये योग मुद्रा है। अच्छा, या इसको योगी लॉक भी कहते हैं, ये ताले की तरह बन गया, देख लें। हाँ जी, योगी लॉक। ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग रख लूंगी ना, क्योंकि पहले ये देखो फिर काम कराओ। और एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा नेगेटिविटी निकालने के लिए, आप जब भी सांस निकालते हैं तो आपके 10% थॉट्स के सेल्स निकलते हैं, तो हमेशा निकालने पे फोकस करें, सांस को निकालने पे, लेने भी नहीं। कोशिश करें कि जो प्योर ऑक्सीजन है उसको लें, जंगलात में जाएं, क्योंकि जहाँ पे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं ना वहाँ पे लोगों की थॉट्स निकलती हैं,
नेगेटिव लोगों में रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आप लेते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल का चक्कर चलता रहता है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आप ऐसी ऑक्सीजन में जाएं जो फ्रेश ऑक्सीजन है। महात्मा बुद्धा, बुद्धा को देखें, व्हेन डिड ही रीच द नेक्स्ट लेवल, व्हेन डिड ही ट्रांसेंड टू द नेक्स्ट लेवल, जब वो दुनिया जहान सब कुछ छोड़ के ही जस्ट लेफ्ट, और वहां पे जाके उन्होंने अपने आप को ढूंढा, क्योंकि आप उन्होंने सारी नेगेटिविटी सारी चीजें सब कुछ और मुंह बंद कर लिया और सिर्फ उन्होंने अब्सॉर्ब किया ऑक्सीजन, नेचर, ब्यूटी, लाइफ। उस लेवल पे पहुंचने की अगर हम काविश ही करें ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है, थोड़ा सा बताऊंगी कि जैसे कंसीव करने के लिए इन्होंने बताया, तो मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है, फल है, पपीता। पपीता ऐसी चीज़ है कि उसको दोनों खा सकते हैं, और अगर वो मुसलसल एक महीना खाएं तो वो दोनों बच्चा कंसीव कर सकते हैं। अमेजिंग, ये भी एक अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, ओके, सो यहाँ पे क्योंकि हमें बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाना है अब इस सेगमेंट के बाद, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत ही प्यारी योगी फैमिली जो है, योगी नहीं, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, किसी दिन आपको अलहदा से बुला के आपकी किताबों पे भी हमने डिस्कशन करनी है, जो आपने लिखा है सारा कुछ उसके बारे में, बिकॉज यू आर सच अ ब्रिलियंट राइटर। 3 किताबें माशाल्लाह आप लिख चुकी है ना मैम, तो आपसे भी डिस्कशन करेंगे। ट्रांसलेटर भी हूं, ट्रांसलेटर भी हैं आप साथ साथ, तो आपसे जरूर मैंने डिस्कशन करनी है वन ऑन वन वन डे। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स डॉक, लव यू, थैंक यू। एंड आपसे, आप अभी यहीं पे होंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हमने म्यूजिक भी सुनना है, बट क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, माई फेवरेट वॉशिंग मशीन रॉयल की वॉशिंग मशीन RWM8012T, इट्स एन अमेजिंग मॉडल। ये इनकी लेटेस्ट वॉशिंग मशीन आई है, इट इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस, आप देख रहे हैं, इट्स अ गॉर्जियस डिज़ाइन इज़ वेल। और सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है रॉयल की 6+1 ईयर्स की जो वारंटी है। अगर आपकी मशीन, रॉयल की मशीन किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो अब इसको ठीक करवाना नो प्रॉब्लम, घर पे आके आपको होम सर्विस दी जाएगी इसको करेक्ट करने की किसी भी इशू को। अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं इसका, इसका सिंक लिड भी है, इसका ड्रायर ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है, मतलब इसकी लॉक लिड है, आप देख रहे हैं कि जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से, तब तक ये नहीं खुलेगा। सो इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग वॉशिंग मशीन। यहाँ पर वॉशिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर कोई भी ऐसी मेटल की चीज़ नहीं है जो आपको कपड़ों को किसी भी वजह से जंग लगा देगी, क्योंकि वक्त के साथ वॉशिंग मशीन्स को जंग लग जाता है। इसकी डबल प्लास्टिक बॉडी है, इट्स अ रियली रियली अमेजिंग इनोवेटिव मशीन। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, सिंक लिड, जेट स्ट्रीम, वाटरफॉल, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर है, यानी कि बिजली कम इस्तेमाल होता है, डबल प्लास्टिक बॉडी है विच मेक्स इट वेरी वेरी ड्यूरेबल, शॉक प्रूफ भी है, इसकी ड्यूरेबल मोटर है, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, और लाइक आई सेड 6+1 ईयर्स की वारंटी है। www.royalfans.com पे जाके आप रॉयल की वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर सकते हैं, और अंडर वारंटी आपकी मशीन जो है वो घर पे ठीक कर दी जाएगी। और जब आप ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन, तो आपके घर तक आपको मशीन पहुंचाई जाएगी, यानी कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी वाइंडिंग जो है वो 99.99% प्योर कॉपर मोटर से है विद गियर सिस्टम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही ऑसम ऑल्टरनेटिव है टू दी अदर वॉशिंग मशीन्स दैट आर इन द मार्केट। उसके अलावा इसकी वॉशिंग कैपेसिटी है 8.5 kg की, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मकदार कपड़ों की आप डाल सकते हैं, आपका फैब्रिक डैमेज नहीं होएगा, लेकिन डिटर्जेंट कम इस्तेमाल होगा और आपके कपड़े अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, चाहे सख्त से सख्त दाग क्यों ना हो। सो ज़रूर रॉयल की वॉशिंग मशीन का इंतखाब करें, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अमेजिंग सी वॉशिंग मशीन मिल सकती है। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड ऑफ कोर्स रॉयल की फैंस की अगर बात करें, तो लाइफ टाइम गारंटी के रॉयल फैंस, नए अराइवल्स इनके बहुत से हैं। ऑनलाइन जाएं, चेकआउट करें, आपका ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज, बेडरूम्स, कोई भी एरिया हो घर का, उसमें आप अमेजिंग किस्म के ये फैबुलस फैंस अगर लगाएंगे,
तो बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे और साथ साथ एक बड़ी फैंसी लुक आ जाएगी। और अगर आप रेगुलर वाले जो फैंस हैं रॉयल के वो भी यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सीलेट फैंस, ब्रैकेट फैंस, पेडिस्टल फैंस, मिस्ट फैंस, दे आर ऑल अमेजिंग एंड इनके रूम कूलर्स भी अमेजिंग हैं। सो डेफिनेटली रॉयल फैंस और रॉयल वॉशिंग मशीन का इंतखाब कीजिएगा। किचन में देखते हैं क्या सिचुएशन है इस वक्त में। जबीन जुगन, दोनों डिशेस हमारी रेडी हो चुकी हैं, जो टिक्का स्कीवर्स हैं वो भी रेडी हैं, रायता है उसके साथ और बीन सैलेड। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आपको पता है वैसे ही टिक्के तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा प्रोटीन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चिकन यूज़ करें तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मुर्गी का इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, आपके लिए सेहतयाब भी होगी और केमिकल फ्री, स्टेरॉयड फ्री, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलिए अब शो को क्लोज करते हैं सरवत और जहीर के साथ, वेरी वेरी टैलेंटेड ड्यूओ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे जो अमेजिंग अमेजिंग गेस्ट हैं अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे, आमीन। ओवर टू यू गाइस। चमकते